Hello children, today we will start a new chapter. Chapter number 2, The Elephant and the Ant. There lived an elephant in a forest. Ek jungle mein ek haathi raha karta tha. He was big and powerful. Wo bahut taakatwar tha aur bahut bada tha. The elephant was so strong that he could fell the trees. Wo itna taakatwar tha ki wo pedon ko gira sakta tha. He could also kill lions, tigers and other wild animals. उसने कई जानवरों को मारा था, जैसे शेर, भालू और भी जंगली जानवरों को मारा था. In course of time, due to his big size, एक समय था कि वो जो उसका बड़ा शरीर है उसे बहुत गर्व होने लगा अपने शरीर पर. One day, the elephant met an ant. एक दिन वो हाथी जो है एक चींटी से मिला. Looking at the ant, the elephant laughed. उसने चींटी को देखा और वो हंसने लगा. Okay, what a funny creature you are. वो बोला तुम कितने नन्हे से जानवर हो. तो you look so weak and tiny. तुम बहुत कमज़ोर और छोटे दिखते हो. I pity you. Okay, look at me. I am the mightiest animal in the forest. उसने बोला चींटी को कि तुम मुझे देखो, मैं सबसे ताकतवर जानवर हूँ पूरे जंगल में. ओके, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट पेज. आई कैन डू एनीथिंग इन द वर्ल्ड. मैं कुछ भी कर सकता हूँ इस दुनिया में, ऐसा उस हाथी ने कहा. द एंट लिसन टू द एलिफेंट एंड स्माइल. उस चींटी ने जो हाथी है उसकी बातें सुनी और वो स्माइल की विदाउट सेइंग एनी वर्ड. उसने एक शब्द भी नहीं बोला. वेरी सून डार्क क्लाउड्स गैदर्ड इन द स्काई. जल्द ही आसमान में काले बादलों ने घेर लिया. इट बिगेन टू ड्रिजल. फिर उत्ते में ही बूंदाबांदी होने लगी. द एलिफेंट एंड द एंट मूव इनटू अ नियर बाई केव टू टेक शेल्टर देयर. जो हाथी और चींटी एक साथ एक केव में गए आश्रय लेने के लिए. द एलिफेंट लुकिंग एट द टाइनी एंट लाफ्ड अगेन एंड सैड. जो हाथी था उसने फिर चींटी को देखा और फिर हंसा और फिर बोला लुक एट माई साइज. तुम मेरी साइज देखो. आई कैन क्रश यू अंडर माई फुट. मैं तुम्हें अपने पैर के नीचे क्रश कर दूंगा, ऐसा वो बोला. यू वॉन्ट इवन हाउ टू सेव योर सेल्फ. तुम्हें यह भी नहीं पता कि तुम अपने आप को कैसे बचाओ. फीलिंग प्राउड ऑफ इट्स साइज एंड स्ट्रेंथ. वो हाथी बहुत प्राउड फील करता था अपने साइज और स्ट्रेंथ को लेकर. द एलिफेंट स्टार्टेड डांसिंग इन द केव. जो हाथी था वो उस केव में गुफे में डांस करना स्टार्ट कर दिया. ड्यू टू थम्पिंग ऑफ इट्स हैवी फीट. जो उसके पैर का जो थम्प थप थपा रहा था वो उसका बड़ा बड़ा पैर. अ बिग स्टोन लाइंग एट द टॉप द केव फेल इन फ्रंट ऑफ द केव. जो उसके डांस करने की वजह से एक बड़ा सा पत्थर ऊपर से गिरा और जो केव का सामने फ्रंट था वहाँ पे गिर गया और पूरा वो कवर हो गया केव. द एलिफेंट वॉक्ड प्राउडली टूवर्ड्स द स्टोन. वो बहुत प्राउडली स्टोन की तरफ बढ़ने लगा. एंड ट्राइड टू मूव इट बट कुड नॉट. और फिर वो उसको कोशिश करने लगा हटाने की बट वो नहीं हटा पाया. इट ट्राइड विथ ऑल इट्स माइट. वो अपनी सारी ताकत लगा के उसको हटाने की कोशिश किया बट ऑल इन वेन. पर वो कुछ काम नहीं आया, बिल्कुल नहीं हटा, हिला भी नहीं. द एलिफेंट कुड नॉट कम आउट ऑफ द केव. फिर वो केव से बाहर नहीं निकल पा रहा था. हाउ एवर द एंट ड्यू टू इट्स टाइनी साइज. फिर जो चींटी थी उसके छोटे साइज की वजह से वो बहुत आसानी से केव के बाहर आ गई. नाउ इट वॉज द एंट्स टर्न टू स्पीक. अब चींटी की बारी थी बोलने की. लुक यू एलिफेंट व्हाट आई कुड डू यू कांट. तुम अपने आप को देखो, चींटी तो कुछ कर नहीं सकती. ऑन अकाउंट ऑफ योर माइटी साइज. जो तुम्हारे बड़े शरीर का साइज है, यू विल हैव टू रिमेन इन दिस केव फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. जो तुम्हारा शरीर है उस हिसाब से तो तुम्हें पूरी जिंदगी भर इस केव में रहना पड़ेगा. वॉट यू कंसिडर्ड टू बी योर स्ट्रेंथ हैज प्रूव टू बी योर ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम. तो तुमने माना कि तुम्हारा स्ट्रेंथ ही तुम्हें सबसे बड़े प्रॉब्लम में फंसा दिया. द एलिफेंट रिमेन्ड locked up inside the cave and died a painful. वो उस गुफे में बंद हो गया और उसमें बंद हुए हुए ही वो मर गया. ओके, okay?